मकसद सीगा जी वो एक तीन महीने की बच्ची जिहड़ी जिन्हें के खून दियां उल्टियां करनियां शुरू कर दित्तियां सी उहदे बारे दसन वास्ते कीता गया सी, क्योंकि एक बड़ा रेयर केस सी जिहदे विच के असी जदों बच्चे का इलाज किया, टैस्ट किए तो पता लग्या कि इस बच्चे नूं मिल्क एलर्जी है। मिल्क एलर्जी का मतलब यह है कि जिहड़े बच्चे मदर फीड तो इलावा दूसरा दुध जिन्हां नूं देना पै जांदा है या लोग नॉलेज ना होने करके देना शुरू कर देंदे ने, गां दा दुध हो गया या कोई डिब्बे वाला दुध हो गया, और उन्हां कुछ केसां दे विच 2-5% जिहड़े केस ने उन्हां दे विच इस तरह की एलर्जी हो सकती है। सो इस तरह दे विच ने या 2-5% ने इंडिया दे विच भी ने, इन्हां दी अवेयरनेस जिहड़ी हुण वध रही है इस करके इन्हां दे ज़्यादा केसां बारे पता चल रहा है। मैं अपनी प्रैक्टिस दे विच पिछले कुछ महीनों दे विच देख चुका, डायग्नोस कर चुका, वो भी बच्चे हुण ठीक मिले। पहले जन्म तो तुरंत बाद जिन्नी जल्दी हो सकता पहले अद्धे घंटे घंटे दे विच शुरू कर देना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, उपरा दुध जिहड़ा है गां दा होवे या डिब्बेला दोनों ही अवॉइड करने चाहिए। और जेड़े केसेस इस तरह के असी डायग्नोस करते हैं जिन्हां नूं मजबूरन गां दा या उपरा दुध मिल जाता और एलर्जी का शिकार हो जाते हैं, उन्हां नूं असी ये सलाह दिंदे हां जे पॉसीबल होवे माँ के दुध ते टोटल शिफ्ट कर दिओ। जे माँ का दुध नहीं अवेलेबल हो पा रहा किसी वजह करके फिर एक स्पैशल तरह का दुध जिहड़ा हाइड्रोलाइज मिल्क कहिंदे आ उसकी अवेलेबिलिटी इंडिया दे विच हुण हो चुकी पिछले 6 महीने साल तो। वो दुध थोड़ा कॉस्टली हुंदा लेकिन वो देन नाल इन्हां बच्चों एलर्जी के जिहड़े सिमटम ने वो खत्म हो जाते, बच्चे की जिहड़ी प्रॉपर ग्रोथ।